हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो फ्रॉम एग्जाम प्रेप ऑफिशियल। आज मैं पढ़ने वाला मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जिनसे क्वेश्चन पिछले 10 सालों में आया है। सबसे पहले तो आपको सारे लॉज, बायोट सेवर्ट लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ याद रखने। उसके बाद फोर्स जो एफ क्यू वी बी होता है, और एफ इक्वल्स टू चार्ज के लिए जो होता है, वायर के लिए बी आई एल होता है, चार्ज के लिए क्यू वी बी, ये आपको याद रखना है। इससे क्वेश्चन आया है 10 सालों में। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड, जितने भी केसेस हैं लेकिन मेनली लूप के लिए और वायर के लिए पूछा गया है, लेकिन आप सारे केस याद रखिएगा ताकि कहीं और से भी पूछ ले तो आपको दिक्कत ना हो। इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और या फिर अल्फा पार्टिकल देता है, जब वो मूव कर रहा होता है सर्कुलर पाथ में उसकी रेडियस और टाइम पीरियड वगैरह पूछता है, तो ये आपको निकालना आना चाहिए। उसके बाद हम और देख लेते हैं सोलिनॉइड और टोरॉइड। इससे क्वेश्चन हर साल आता है, इस साल भी 2022 में आया हुआ है। टोरॉइड से भी क्वेश्चन आ सकता है, वैसे सोलेनॉइड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोलेनॉइड को आप ज्यादा अच्छे से पढ़िएगा। स्टार बना देते हैं इसके ऊपर। सारे ग्राफ्स आपको करना है, ग्राफ्स या तो मॉडर्न फिजिक्स से आता है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, या फिर यहीं से आता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, करंट और वोल्टेज की सेंसिटिविटी, सॉरी करंट और वोल्टेज की सेंसिटिविटी, करंट और वोल्टेज की सेंसिटिविटी के जो भी फॉर्मूलाज हैं आपको याद रखना है। और इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आ जाए गलत करके बताइएगा, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। ग्राफ्स वाला इंपॉर्टेंट है, सोलेनॉइड इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड सर्कुलर पाथ इंपॉर्टेंट है, और ये दो तीन ऊपर के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।